जन सुविधा के लिए बना शौचालय अब जन परेशानी का सबब बन चुका है। स्थानीय जन प्रतिनिधि और संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते यहां मलबे का ढेर सालों से यूं ही पड़ा है। दरअसल तकरीबन 20 साल पहले यहां लोगों की सुविधा के लिए शौचालय बनाया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक 5 साल पहले इसे तोड़ दिया गया था, लेकिन शौचालय को तोड़ने के बाद उसके मलबे के ढेर को हटाया नहीं गया। अब ये मलबा इलाके में बीमारियों का बहुत बड़ा वजह बन चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस मलबे के पास कैसे गंदगी फैली हुई है और अभी बरसात में यहाँ पानी जमा होने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बन रहा है। यही ब्लॉक का पार्क है, इसमें शौचालय था, पहले 3 शौचालय थे, इसको तोड़ दिया गया है बिल्कुल। इसको ना कोई देखता है, ना कोई भालता, ना कोई सुविधा है इसकी। बारिश आती है, खूब पानी भरता है, खूब बरसात में खूब डेंगू बीमारी मच्छर खूब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, घर बने हुए हैं आसपास। ये इधर का डी ब्लॉक का पार्क है, इधर डी ब्लॉक निकल जाता है पीछे, इधर भी इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा जोर से ज़्यादा गंदगी है। इधर जो कोई रह रहा है वही बीमार हो रहा है, सिर्फ एक डेंगू बीमारी के पीछे। ना कोई सुविधा है, ना कुछ है, जो कोई आता है वो देखता है, भालता है, सब देख के चले जाते हैं। वहीं स्थानीय निवासी अली की माने तो इस जगह को बारात घर में तब्दील करने की योजना थी, लेकिन ये ना ही बारात घर ही बना और ना ही यहाँ का मलबा हटाया गया। प्रशासन की ओर से भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। 5 साल हो गए इन्हें टूटे हुए, ठीक है, इनका ये कूड़ा घर में तब्दील होता जा रहा है। इसमें डेंगू मलेरिया बारिश होती है, गंदगी होती जा रही है, यहाँ के बच्चों को बूढ़ों को परेशानी हो रही है। यहाँ इसका ना कोई सिचुएशन हो रही है, ना सोल्यूशन निकल रहा है कुछ, ना प्रशासन सोच रही है इसके बारे में। ये बारात घर के लिए अप्लाई हुआ था, ना कोई बारात घर बनना है इसमें, ना कोई इसमें कोई पार्किंग की वो बननी है सुविधा। यहाँ तो और बीमारी से परेशान है, बीमारियाँ फैले जा रही है। और डी ब्लॉक की जो लाइन है ये पार्क की, इस पर सारी गंदगी फैली हुई है पूरी पटरी पर। इसका कोई प्रशासन सोल्यूशन निकाले या NCD कोई सोल्यूशन निकाले इस चीज़ का, इसके लिए मेरी प्रार्थना है। अब यहाँ के लोगों की मांग है कि इस बेकार पड़ी हुई जगह को दुरुस्त किया जाए, या तो इस जगह को बारात घर बना दिया जाए या फिर यहाँ पार्किंग बनाया जाए। बहरहाल इस शौचालय के प्रति प्रशासन की लापरवाही का दंश यहाँ के निवासी झेल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक संबंधित विभाग इसकी सुध लेता है, ताकि स्थानीय लोग एक स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन कर सके। दिल्ली से राजपथ टीवी के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही वीडियो को लाइक करें और राजपथ टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।